कनेक्शन ऐसा होता है कि जो प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है, जो प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है उसकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे पड़ रही हो, या जो प्लैनेट सेवेंथ हाउस में है उसकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे पड़ रही हो, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जो करते हैं उनको समझ में आएगा। इसके अलावा एक हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज से हम अनूठी में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, अनूठी एस्ट्रोलॉजी। सबको अपनी किस्मत के बारे में जानने की इच्छा होती है, मेरी किस्मत में क्या है, और खास तौर पे युवाओं को एक चीज जानने की बहुत इच्छा होती है, क्या मेरी लव मैरिज होगी या नहीं। आज हम एक छोटा सा वीडियो ये देखेंगे कि वो लव मैरिज के कंडीशंस कुंडली में कैसे बनते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक मेन सब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाऊं, मैंने आपको बताने के लिए एक कुंडली सामने रखी है जिसमें कि हर कुंडली में 12 घर होते हैं। ये मैं उन लोग के लिए बता रहा हूं जिनको कुंडली के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हर कुंडली में 12 घर होते हैं जो मैंने बाहर की तरफ लिखे हुए हैं रेड कलर में, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे ऊपर पहला भाव होता है ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये 12 भाव चलते हैं। लेकिन कुंडली के अंदर हर घर में कुछ एक फिगर लिखा रहता है, ये क्या है? ये उस भाव के या हाउस के, जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी साइन या राशि है। जैसे यहां पर 4 लिखा है, यहां पर कोई भी फिगर हो सकती है 1 से लेकर 12 तक। यहां 4 जो लिखा है तो ये मून का साइन है, कैंसर यानी कर्क। ये लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस, एक्सेंडेंट जिसको बोलते हैं। और लव मैरिज के लिए हमारे दो भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस। कुछ और ना बोलते हुए मैं खाली आपको इन दो हाउसेस के बारे में बताऊंगा। तो आपने कंसंट्रेट करना है इन दो हाउसेस के ऊपर, इनके अंदर जो साइन है या राशि है उसके ऊपर। तो हर साइन का एक लॉर्ड होता है, राशि का एक स्वामी होता है। जैसे यहां पर इस केस में, यहां फिफ्थ हाउस में 8 फिगर लिखा है, वो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, जिसका स्वामी है मंगल यानी मार्स। और यहां पर सेवेंथ हाउस में 10 साइन है, मतलब ये 10वीं राशि है जो कि मकर या कैप्रिकॉन है, और सैटर्न यानी शनि की राशि है। अब अगर लव मैरिज होनी है तो इन दो हाउसेस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, या तो वो डायरेक्ट कनेक्शन हो। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे? कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एज अ प्लैनेट सेवेंथ हाउस में बैठा हो। जैसे कि ये अगर इसका लॉर्ड है मंगल यानी मार्स, तो मार्स यहां पर बैठा हो सेवेंथ हाउस में, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हो फिफ्थ हाउस में, या इन दोनों के लॉर्ड एक दूसरे के हाउसेस में बैठे हों। ये डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कनेक्शंस कुछ होते हैं, वो इनडायरेक्ट कनेक्शन ऐसा होता है कि जो प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है, जो प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है उसकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे पड़ रही हो, या जो प्लैनेट सेवेंथ हाउस में है उसकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे पड़ रही हो, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जो करते हैं उनको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि जो इन दोनों के जो स्वामी हैं यानी लॉर्ड हैं, जैसे यहां पे मंगल है या शनि है, वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं। मान लीजिए शनि अगर मंगल के नक्षत्र में है, हर ग्रह जो होता है उसके पास 3 नक्षत्र होते हैं, या जो
फिफ्थ हाउस का स्वामी है मंगल, वो शनि के नक्षत्र में बैठा है, तब भी ऐसा एक योग बनता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट योग होते हैं, इनडायरेक्ट जो कनेक्शंस होते हैं फिफ्थ और सेवेंथ हाउस के बीच, वो होते हैं कि मान लीजिए जो यहां पर जो फिफ्थ हाउस में या सेवेंथ हाउस में जो भी प्लेनेट है उसका कनेक्शन किसी दूसरे घर से है, वहां पर जो वो प्लेनेट बैठा है उसका कनेक्शन सेवेंथ हाउस से है, तो वो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और कंडीशंस बताऊंगा जो लव मैरिज की हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी एस्पेक्ट यानी दृष्टि की बात कर रहा था। हर प्लेनेट की एक दृष्टि होती है जो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में। अभी हम खाली कंडीशंस लीडिंग टू लव मैरिज कवर करेंगे। पहले एक और कंडीशंस लव मैरिज की बनती है जब मार्स यानी मंगल सातवें घर के स्वामी को या तो देख रहा हो या उसके साथ बैठा हो या सातवें घर का स्वामी यानी लॉर्ड मंगल को देख रहा हो। दूसरी कंडीशन है कि वीनस या शुक्र शनि के साथ या राहु के साथ बैठा हो। तो जो ऐसी भ्रांति है, ऐसी मिथ है कि राहु हमेशा गड़बड़ करता है, ऐसा नहीं है, राहु कभी कभी अच्छा भी करता है। तीसरी कंडीशन है कि वीनस यानी शुक्र सातवें घर में हो, सेवेंथ हाउस में बैठा हो। चौथी कंडीशन है कि सैटर्न यानी शनि राहु को या शुक्र को देख रहा हो। नेक्स्ट कंडीशन बनती है अगर लग्नेश यानी लॉर्ड ऑफ एक्सेंडेंट जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो या लॉर्ड ऑफ सेवेंथ, इन दोनों में से किसी को भी वीनस देख रहा हो यानी शुक्र देख रहा हो। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है कि मंगल अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड उसको देख रहा है या मंगल खुद फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तब भी लव मैरिज की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट कंडीशन बनती है अगर शुक्र मंगल या राहु के साथ हो। और लास्ट एक कंडीशन बनती है कि शुक्र अगर फिफ्थ हाउस में हो चंद्रमा के साथ और उनका कंजंक्शन जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से भी हो दोनों का, तब इस टाइप की कंडीशन बनती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया कि लव मैरिज की कंडीशंस क्या होती हैं, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल एग्जैक्ट रिजल्ट्स वेरी करेंगे डिग्री ऑफ प्लैनेट के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, किस साइन में है उसके ऊपर, एस्पेक्ट कौन कौन से पड़ रहे हैं प्लैनेट्स के उसके ऊपर और दशा कौन सी है उसके ऊपर। आपको अगर अपने अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अनूठी में जो नया सेगमेंट शुरू हुआ है ये आपको पसंद आया होगा और आप जो है वो इसको देखते रहेंगे, मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे अपने प्रेडिक्शंस के लिए, इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस के लिए, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, हेल्थ से, मैरिज, चाइल्ड, बर्थ क्वेरीज, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो लाइफ में, आपको प्रेडिक्शन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।